देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों की खूबसूरत सुबह में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो कल हमने जहां पे ब्लॉग को ख़त्म किया था, तो आज सुबह से हम ब्लॉग का शुभारंभ कर रहे हैं। तो अभी सुबह मंगल स्नान की तैयारी होने बैठ गई है। तो ये खूबसूरत सा नज़ारा है निवाड़ी गांव का। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे मेरे पे लगी हुई है हल्दी और हम रेडी हुए हैं। जो सुबह में हल्दी हाथ होता है, शादी का दूसरा दिन होता है, तो जो गढ़वाल में शादी होती है उसमें हल्दी हाथ का काफ़ी महत्व होता है। तो कर लेते हैं आज के वीडियो का शुभारंभ। हेलो, हाय, नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ के इन खूबसूरत वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो गढ़वाल में शादी होती है उसकी जो परंपरा होती है वो काफ़ी लंबी होती है, इसीलिए वीडियो लंबा ना हो तो मैं जो शादी है उसको अपने ब्लॉग के माध्यम से पार्ट्स वाइज दिखाऊंगा। तो ये शादी का दूसरा पार्ट्स है, तो इसमें हल्दी हाथ का पार्ट्स आपको दिखाऊंगा कि गढ़वाल में हल्दी हाथ किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से रस्में निभाई जाती हैं। तो ये पीछे से पूरा, जो मेरे पीछे से बैकग्राउंड और पूरा जो आपको गांव दिखाई दे रहा है, ये है निवाड़ी गांव, जो कि मैं आपको आगे के ब्लॉग में बता चुका हूं। तो जैसे जैसे शादी होगी वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो पूरी शादी को पार्ट्स वाइज दिखाऊंगा। तो चलते हैं अभी हल्दी हाथ में। तो हल्दी हाथ शुरू हो गया है, तो आपको दिखाते हैं हल्दी हाथ पहाड़ में जो परंपरा है वो, शादी में हल्दी हाथ किस प्रकार से होती है और मंगल स्नान किस प्रकार से होता है, इसको पूरा ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। वक्त और समय के साथ सब कुछ बदला है, लेकिन जो बदला नहीं है वह हमारे देवभूमि उत्तराखंड की इन गांवों की परंपरा है। इन परंपराओं के सीरीज में आपको आगे ले चलते हैं मंगल स्नान की ओर। तो अभी जो तैयारी हो रही है वो हल्दी कूटने की हो रही है। तो सबसे पहले मंगल स्नान से पहले हल्दी कूटी जाती है और हल्दी जो कन्याएं होती हैं, कुंवारी कन्याएं होती हैं, उनके द्वारा हल्दी को कूटा जाता है और फिर पंडित जी के द्वारा पूजा की जाती है और पूजा के दौरान ही हल्दी को कूटा जाता है। हल्दी को कूटने के बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होता है। अच्छा।
हल्दी हाथ के दौरान दीवारों पे या जहाँ पे भगवान का स्थान होता है वहाँ पे हाथ के चिन्ह हल्दी से छापे जाते हैं। परंपरा का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो अभी जो परंपरा शुरू होती है वह यह है कि अब दुल्हन को धीरे धीरे बांध दिया जाता है, जिसमें घर के सबसे बड़े से यह प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें सबसे बड़े दादा दादी चाचा चाची से शुरू होकर यह परंपरा आगे जाती है और धीरे धीरे बड़ों से लेकर छोटों की ओर यह परंपरा बढ़ती है और यह परंपरा पूर्ण होने के बाद ही मंगल स्नान होता है।
अपनी संस्कृति को एक छोटे से ब्लॉग के माध्यम से दिखाने का प्रयास मेरा आप सभी लोगों को कैसे लगा। अगर मैं अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।